नरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हमीरपुर किसान मोर्चा ने किया पौधरोपण। कार्यक्रम के दौरान परिवार कांग्रेस छोड़ भाजपा में हुए शामिल। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा किसान मोर्चा मंडल हमीरपुर ने आज दरूही पंचायत के जरल गांव में पौधारोपण व सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के पश्चात क्षेत्र के 9 अनुसूचित परिवारों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा। भाजपा के साथ जुड़ने वालों में अश्वनी कुमार, रविंद्र कुमार, नीकराम, सरवन सिंह, अशोक कुमार, उद्यम सिंह, गोवर्धन लाल, राजेश कुमार, अरुण कुमार तथा उनके परिवार शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि नरेंद्र ठाकुर की एक समान विकास की नीति से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है। भाजपा में शामिल होने वालों का कहना है कि आज़ादी से लेकर आज दिन तक पंचायत के कई इलाकों को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया था, परंतु नरेंद्र ठाकुर के कार्यकाल में अनेक आबादियों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ा गया है। यही नहीं, नरेंद्र ठाकुर ने पानी की समस्या का समाधान करते हुए अनेक जगह हैंडपंप लगवाकर उन्हें विद्युतीकृत करवाया, जिससे पानी की कमी से निजात मिली। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि उनका स्वयं का लक्ष्य है कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में सड़क, बिजली और पानी की मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी न रहे। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश शर्मा, महामंत्री सुरेश सोनी, सचिव सुरेंद्र मिन्हास, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष उत्तम ठाकुर, उपाध्यक्ष अमित ठाकुर व सतीश चौहान, किसान मोर्चा के मंडल महामंत्री विक्रम ठाकुर, सचिव राजेश ठाकुर, पंचायत प्रधान उषा बिरला व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।